हेलो दगड़ियों, आप सब होते मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं दयाल आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। अभी पहुँच चुके मंदिर के पास और ये देखिए ब्लैक आइस, यहाँ पे फिसलने का डर रहता है। देखिए पूरे रास्ते में यहाँ पे धूप नहीं है तो यहाँ पे बर्फ़ है। देखिए कितनी मोटी, भाई फिसल गया, भाई लोग फिसल रहे हैं यहाँ पे, इनके जूतों की ग्रिप कम है। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ट्रॉली का लास्ट पॉइंट ये है और मंदिर के पास पे पहुँच चुके हैं हम तो। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे पहुँच के, ऊपर मंदिर पहुँच चुके हैं। और देखिए पीछे कितने बंदे गिर गए, तब से 3-4 बंदे फ्लैट हो गए ब्लैक आइस पे। ब्लैक आइस पे यही डर रहता है गिरने का। और यह है ट्रॉली का लास्ट पॉइंट। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और मंदिर आके फाइनली हमें बर्फ़ मिल चुकी है। ये देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ़, और वो देखिए सामने के पहाड़ पूरे बर्फ़ में ढके हुए। पहुँच चुके हम सुरकंडा देवी मंदिर में, जय हो सुरकंडा देवी। और यह है सामने मंदिर। बर्फ साफ कर रखी है और ऐसा बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर पीछे बर्फ पड़ी है तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन, एकदम मस्त जो नज़ारा है पीछे का, बहुत ही गजब का। और ऐसे लाइन लग रखी है मंदिर में दर्शन के लिए, तो हम भी थोड़ी देर में लाइन में लगते हैं और उधर चलते हैं आपको दिखाने। वो बर्फ़ पड़ रखी है पीछे वाली चोटियों पर, तो चलते हैं। और यहाँ पर ढोल दमों की आवाज़। तो ये पे है यहाँ पे सुरकंडा देवी मंदिर। और अभी हम यहाँ पे धूप नहीं है, वहाँ पे फोटो खिंचवा रहे थे। कितना ठंडा हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जहाँ जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे अभी बर्फ़ रह रखी है पीछे की साइड, क्योंकि धूप नहीं है तो यहाँ पे देखिए एकदम बर्फ़ एकदम। और यहाँ पे स्नोमैन भी बना रखा है लोगों ने, वो भयंकर। ये देखिए, अरे बाप रे, पैर सुन हो रहे हैं यहाँ पे, देखो बहुत ही खतरनाक बर्फ यहाँ पे, फिसल भी रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पैर सुन हो चुके हैं और फिसल भी रहे हैं, गिरे ना यहाँ पे, गिर जाएंगे यहाँ पे तो। बहुत ही पूरे भैंग, बहुत ही माइनस पे जा रखे हैं मेरे को लग रहा है, यहाँ पे पैर सुन हो रहे हैं बहुत ही तकड़े वाले, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है एकदम। देखिए यहाँ पे स्नोमैन और ये ऐसे कुछ बर्फ, पैरों की हालत ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ये पीछे का नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा। और ये देखिए यहाँ पे भी बर्फ़ पिघलने लगी है क्योंकि धूप आ गई है साइड, और नीचे तो बुरा हाल हो रहा है। ये देखिए ऐसे बर्फ़ बर्फ़ पूरी, और सामने की चोटियाँ देखिए पूरी बर्फ़ से ढकी हुई, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए पीछे के हिमालय यहाँ के, वहाँ से देखिए वहाँ से पूरा उधर चक्राता वाले पहाड़ हैं पूरे उधर की साइड, और वहाँ से हल्की हल्की उधर बर्फ़ है, उधर है फिर वहाँ से लगातार पूरी बर्फ़। और ये देखिए पूरा उधर तक पूरी बर्फ़ से ढका हुआ, और नीचे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह चल रही है, और यहाँ है असली बर्फ़ सा। ये देखिए बर्फ़ के नज़ारे तो इधर हैं यहाँ पे, क्या गजब का नज़ारा है, एकदम मस्त बढ़िया हो गया यहाँ पे तो, एकदम बर्फ़ देखने को मिलती है ऊपर आके। और ये देखिए, और नमन भाई भी आ गए, और पैर सुन हो रहे भाई यहाँ पे, नहीं भी तो यहाँ पे नीचे जो है ना टेम्परेचर, फर्श का टेम्परेचर -10 होगा, -10 -15 के अराउंड होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही एकदम, क्योंकि पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई। ये देखिए नीचे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, और सामने के पहाड़ देख लिए हमने, और ऐसा कुछ मंदिर का, और पैर के हाल देख रहे हो ठंड से कैसे हो चुके हैं। और नमन भाई जा रहे हैं वहाँ बर्फ़ में। ये देखिए आप, ये क्या बढ़िया भयंकर, मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहें, पर ठंडा लग रहा है काफ़ी, पैर एकदम सुन हो रहे हैं। और ये देखिए एकदम मस्त
पूरा। हम लग चुके हैं मंदिर की लाइन में और ऐसा कुछ यहाँ पे मंदिर प्रांगण, और वहाँ पे देखिए ड्रेस वगैरह पहन के और फोटो वगैरह खिंचवा के, और हम लगे हुए हैं लाइन में नमन भाई और मैं, और ऐसा कुछ नज़ारा कैसा लग रहा है नमन भाई मंदिर आके। ड्रीम था यहाँ पे आने का, ड्रीम कम ट्रू हो गया है। ये मंदिर सिर्फ फोटो में ही देखा था, भाई को पता नहीं था ये धनौल्टी में पड़ता है, तो आज नमन भाई का सपना पूरा हो चुका है, यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। और पीछे का जो सीनरी है काफ़ी बेहतरीन आ रही है, आज बर्फ़ पड़ने से काफ़ी गजब का व्यू है। देखिए कैसे खेल रहे हैं सारे, एक दूसरे पे बर्फ़ वगैरह फेंक रहे हैं, देखिए सब मज़े कर रहे हैं एकदम बर्फ़ में, और उधर कोई किसी के सर में बर्फ़ रख रहा है, कोई कुछ, इधर देखिए पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, एकदम मस्त नज़ारा इधर का। और सामने की घाटी देखिए एकदम गजब, ये देखो क्या मस्त। तो मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं और अभी चल रहे हैं पीछे की साइड, जो मैं दिखा रहा था आपको बर्फ़ पड़ी हुई है जहाँ, तो वहाँ चलते हैं। नमन भाई भी आ रहे हैं उधर से, और पूरा धूली बढ़िया धूप लग रखी है, और वहाँ पे देखिए इस छत पे बर्फ़ जम रखी है, तो इसलिए हम चलते हैं बैक साइड पे, तो वहाँ बर्फ़ में चलते हैं पीछे की साइड। तो हम आ चुके हैं मंदिर के बैक साइड में जिधर बर्फ़ पड़ रखी है, और अब दिखाते हैं आपको बर्फ़, और पैर भी चल रहे हैं भाई यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़। और इधर से चलते हैं नीचे बर्फ़ में, पर फिस लेना है यहाँ बस, वरना घिसाई हो जाएगी भाई, मतलब कि ऐसा लग रहा चूना फेंक रखा होगा, ठंडा हो रहा है यहाँ पे आती। और भीड़ देखिए यहाँ पे बर्फ़ के, यहाँ पे कितनी सारी भीड़ हो रही है। और यह है ऊपर मंदिर का प्रांगण, नीचे पहुँच चुके हम, चलते हैं यहाँ पे नीचे बर्फ़ में थोड़े मज़े करते हैं, रील वगैरह बनाते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं बर्फ़ में। फाइनली बर्फ़ तो मिली गई यहाँ पे आके, मेरे जूते में देखे बर्फ़ घुस गई। हाथ के हाल क्या हो चुके हैं एकदम लाल, और बर्फ़ भी फेंक दी मैंने जो जोश में अपने ऊपर। बहुत मज़े कर लिए और बहुत ठंडा हो गया, हाथ पैर सुन करवा लिए काफ़ी, स्टार्ट करते हैं वापस नीचे चलना। तो हम आ चुके हैं बर्फ़बारी से, और देखा होगा आपने काफ़ी मज़े करे एकदम बढ़िया, पीछे की साइड धूप नहीं है तो बर्फ़ रह रखी है काफ़ी, तो काफ़ी मज़ा आया, और शॉर्ट्स वगैरह भी काफ़ी बनाई है, तो वो आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगी। और इधर देखिए धूप एकदम बढ़िया, ठंडी हवा चल रही है, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से नीचे के लिए। तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था पड़ाव, वहाँ हम पहुँच चुके हैं, वापस आ चुके हैं हम, तो सीधा नीचे आके मैंने वीडियो बनाई, और यहाँ पर ट्रॉली का नीचे हम पैदल पैदल पहुंच चुके हैं ट्रॉली के लिए, भी काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी जाते हुए भी और आते हुए भी, इतनी लंबी लाइन लगी है ट्रॉली के लिए। काफ़ी बढ़िया रहा मंदिर का दर्शन, सडनली वाला प्लान बना, सडनली वाले जो प्लान होते हैं ना वो बढ़िया ही बनता है, जितने भी सारे सडनली वाले प्लान होते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहा मंदिर में। तो हम पहुँच चुके हैं नीचे मार्केट में, और ये देखिए यहाँ का जय सुरकंडा माता, मार्केट में जाम लगा हुआ है खतरनाक वाला। और ये आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ देखिए पूरा जाम ही जाम लग रखा है खतरनाक वाला, पीछे 2 किलोमीटर से पूरा जाम ही जाम हो रहा है, पीछे की साइड तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत ही खतरनाक वाला जाम हो रहा है, सारी गाड़ियाँ फंस रखी, इन्होंने कैसे फंसा रखी, यहाँ तो और फंसेगी अभी गाड़ियाँ। और ये देखिए यहाँ पे लोग मौज करते हैं, मौज के यहाँ पे फंसेंगे एंकर, अभी तो बढ़िया वाला फंसेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में, और गाड़ी में वेट कर रहे हैं कि ये जाम खुल जाए बस,
क्योंकि जाम में बहुत बुरा फंसेंगे, इसलिए रुक रुक के चलने से अच्छा है पहले इधर रुक जाते हैं, फिर जैसे ही क्लियर हो जाएगा तब निकलते हैं। यहाँ लग रहा जाम बहुत तगड़ा वाला, और ये राइडर भी बीच में यहाँ पे, और नीचे की साइड भी जाम काफ़ी सारा है। एक घंटे से ज़्यादा हो गए, एक दो घंटे हो गए यहाँ पे, हमें मंदिर से आगे था हम एक दो घंटे पहले, थोड़ी देर रुका रहा, मेरे को लगा खुल गया तो मैं इधर की साइड आया, यहाँ पूरा भर गया, उधर पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी और यहीं तक पहुँचा हूँ मैं सिर्फ। और पूरा देखिए इधर नीचे की साइड भी लंबा जाम लग रहा है और इधर की साइड भी बहुत लंबा जाम लग रहा है, क्योंकि साइड में गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, फिर निकालने का हो ही नहीं रहा। तो भाई दो घंटे के बाद पूरा जाम, पहले सामने वाली साइड से पूरा क्लियर करवाया, फिर हमारी बारी आई, और ये देखे अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जाम खुलने में काफ़ी टाइम लगा और अब जाके यहाँ पे आए, और यहाँ पे अब बारिश वाला मौसम हो चुका है, जब तक हम रहे तब तक तो धूप थी और अब बारिश वाला मौसम हो रहा है, बादल बुदल लग रहे हैं, तो मेरे को लगता है आज भी यहाँ बर्फ़बारी होने वाली है। और ट्रॉली देखिए ऊपर जा रही है, और इधर सुरकंडा मार्केट, पहुंच गए हम मसूरी। और रास्ते में देखा ही होगा आपने क्या फॉग हो रखा था पूरा, एक जगह पे तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा देख रहे हैं इधर भी पूरा कोरा बढ़ने लग गया धीरे धीरे। और ये है मसूरी का घंटाघर, और ये नीचे पे माल रोड है, यहाँ से जब हम धनौल्टी से इधर आ गए थे वैसे वहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी, रास्ते में खतरनाक वाला सीन हो गया था, बहुत ही कम दिखाई दे रहा था, आगे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा हो गया था, लगता है आज भी बारिश होगी और बर्फ़ पड़ेगी खतरनाक वाली धनौल्टी में और सुरकंडा साइड भी। और ये मसूरी का कुछ सीन, डोली वगैरह बन रखी है, समझ आ रहा है ये नंदा देवी की डोली है, और आगे पे चौसिंगिया अखाड़ू बना रखा है, 12 साल में होती है नंदा देवी की राजजात यात्रा, उसका डिज़ाइन वगैरह बना रखा है ये। और नमन भाई कैसा लग रहा है मसूरी आके? बहुत ठंड लग रही है। मसूरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? मेरा फर्स्ट टाइम है। धनौल्टी, सुरकंडा और मसूरी, आज हमने एक ही दिन में तीन चीज़ें कवर कर ली, काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और ठंड भी काफ़ी लगी, वहाँ तो बर्फ़ में सुन हो रहा था, हाथ पर सुन हो रहे थे वहाँ, और यहाँ भी हवा चल रही है, काफ़ी धुआं निकल रहा है, इतना ठंडा हो रहा, काफ़ी तगड़ा वाला। और ये देखो ये कोहरा बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे आ रहे थे, मोमोज वगैरह खा लें, चटनी में मिर्च डालते हैं, तो यहाँ पे मोमो चाउमीन वगैरह खाई, चाय बन रही है, चाय पीते हैं फिर चलते हैं। उधर पे जल रही है सामने पे आग, थोड़ी देर सेकेंगे वहाँ पे आग वगैरह, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अब चाय लेके चलते हैं, आग सेकने, बढ़िया सी आग लगा रही है यहाँ पे भैया और कोहरा देख लो एक बार बस, और ये गरम गरम चाय। फ़ोन भी लैग मारने लग गया ठंड में, फ़ोन को भी ठंड लग रही मेरे ख्याल से। तो अभी हम आ गए हैं पिक्चर पैलेस पर, तब से यहीं पे घूम रहे हैं पिक्चर पैलेस में, और नमन भाई ये रहे और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, जो कि आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया। और पीछे देखो कोहरा और बढ़ते जा रहा है, ठंडा लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा, अरे देखो धुआं क्या निकल रहा है मुझसे, ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, तो ठीक आ रहा है वैसे, तो यहाँ हो रही है ठंड से हालत ख़राब, और पिक्चर पैलेस घूम रहे हम तब से। और इधर की साइड ये देखें, और ये देखो यहाँ पे कोहरा कितना ख़तरनाक लग रखा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ के लिए चाहिए फॉग लाइट, और पूरा हाल रखा आगे पूरे मसूरी, खतरनाक ठंडा
ठंडा तो बहुत ही खतरनाक वाला हो रखा है। लैंप बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। देखो क्या खतरनाक कोहरा हो रखा है। फ़ोन में तो फिर भी दिख जा रहा है, पर जो सामने पे है ना, सामने पे हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। फ़ोन में फिर भी क्लियरिटी बढ़िया आ रही है। पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है खतरनाक वाला। नीचे की साइड देखो और सामने रोड देखो। तो भाई पहुंच चुके हैं कोरा कोरा काट के एकदम राजपुर रोड पे, पैसिफिक के वहाँ पे पहुंचे अभी। और आपने देखा ही होगा रास्ते में कोरा क्या खतरनाक हो रखा था, बहुत ही खतरनाक कोरा लग रखा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। फ़ोन में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, ठीक दिख रहा है, पर सामने पे बिल्कुल एकदम जीरो विजिबिलिटी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। अंदाजे से चला रहा था मैं बस गाड़ी। और अभी पहुँचे हम राजपुर रोड पर जाखंड में। तो हम धनौल्टी से घर आ गए थे, जैसे कि आपने देखा कोरा कोरा काफ़ी हो रखा था, खतरनाक वाला सीन था। बड़ी मुश्किल से घर तक पहुँचे क्योंकि बहुत सारा कोरा हो रखा था। तो अभी हम फिर शादी में आए थे, तो शादी में कौन मिला, अन्नी वो पे सर चले गए थे, फिर आ गया जैसी शादी हुई नहीं देहरादून में, पहुँच गया फिर से, एक भी मौका नहीं छोड़ता देहरादून आने का शाम को नहीं। तो चलो इसी के साथ वीडियो, तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड। एंड करते हैं वीडियो अच्छी लगे, कल आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। कल आ जाएंगे हम प्रोग्राम कल का देख लेंगे। तो चलो अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे आपको फिर से, बहुत मिस कर रहे थे लोग।